में करो, इंजीनियर की बने कितना साल लगता है, 20-25 साल, उसको बाद में एक नौकरी किया, कितना घंटा काम करते हैं, 8-10 घंटा काम करते हैं, फिर पैसा कमा करके फिर इसको खाते हैं, इसलिए ना आप बताओ ऐसे जानते कुत्ते सुअर गधे ये कौन सा यूनिवर्सिटी में गए, कौन सा कॉलेज में गए, इनको कौन सा डिग्री की, कौन सा 8-10 घंटा काम कर रहे हैं, बोलो उनको तो घूमते घामते खाना इनको आसानी से मिल जाए आसानी से। फिर बच्चे जन्म देना, साल में हमें एक ही बच्चा, तो दो कभी जमज हो जाते हैं, सुअर को देखो कुत्ते को देखे, अब मुर्गा को देखो 21 बच्चा देता है, सुअर को देखो 8-10 बच्चा जन्म दे देता है, दे देता कि नहीं है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा बनाने के लिए 20-25 साल लगाते हैं और एक महीना मुंह धार करके छोड़ देता है, जा तू भी लाते अपना घर गृहस्थी करो। सोने के लिए हमें एयर कंडीशन रूम एसी चाहिए है बढ़िया, लेकिन तभी टेंशन होना गोली खा। कृष्ण कहता है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, हे उद्धव मानव शरीर बड़ा दुर्लभ क्यों, कारण एक ही है, इसी साधन धाम वत्स के द्वारा इसी जीवन में प्रभु का भजन करके जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरताल निकल करके हम ठाकुर जी के पास में जा सकते हैं, जहाँ पर जन्म नहीं दुख नहीं कोई कष्ट नहीं आनंद ही आनंद है। इसी लिए ये मानव शरीर को इतना कीमती बताया और कोई कारण के लिए नहीं, इसलिए भागवत कहता है तुमने सारे कर्तव्य को किया लेकिन भगवान की भजन नहीं किया तो भजन किस जीवन में नहीं होता। इसलिए जो बड़े भाग्यवान व्यक्ति है उनकी मुंह से ही प्रभु का नाम निकलता है, सबको मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसलिए देखो विदेश लोग देखो कहाँ विदेश में जन्म हुए, देखो कैसे तिलक लगाए, गले पर कड़की है, माला है, देखो हमको तो आसानी से कथा मिल रहे, देखो इनको कथा सुनने के लिए कितने पैसा खर्चा किया तुम पता है, और इसने झूठ बोल करके विदेश से आए, लाख रुपया खर्चा करके यहाँ पर केवल ठाकुर की ज्ञान हमें मिले, कथा सुने, एक ट्रांसलेशन कर रहा है और वो ट्रांसलेशन करके दूसरे दूसरे को सुना रही है महाराज जी के कथा, लेकिन हमको हिंदी आसानी से, हमको हिंदी आसानी से समझ में आ जाती है, समझो हम बड़े भाग्यवान है, बड़े हम भाग्यवान जो बैठ करके यहाँ ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबके सब बड़े पीछे पीछे ताली बजाते हुए बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसमें तीन नाम है हरे कृष्णा राम, हरे मतलब क्या है, हरे मतलब होता है हमारे जितने दुखों कष्टों को जो हर ले, हरि नाम लेने से क्या होता है दुखों कष्टों को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब हमारी मन बड़ा चंचल है, एक जगह में स्थिर नहीं होता है, भटकता है, मन बेचैन से रहते, मन को शांति नहीं मिलती है। कृष्ण मतलब होता है क्री, क्री मतलब होता है खींचना आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। अगर कृष्ण नाम लोगे ना क्या होगा, कृष्ण नाम लेने से मन में जो अशांति है, मन को जो चैन नहीं मिलती है, कभी कृष्ण नाम लो मन को चैन मिले, मन इधर उधर भटकेगा नहीं। जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही ना, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब एक माला करो देखना, एक माला करो क्या होगा, अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो नाम है ना क्री, क्री मतलब होता है मन पढ़ाई में कब लगेगा, मन जब एकाग्र हो तब तो पढ़ाई मन लगेगा ना। जो कृष्ण शब्द है ये खेच करके गद्दी जी से जो ले आता है, इसे कृष्ण जो आकर्षण करता है। और राम मतलब क्या, जीवन में हमें जो आराम, जीवन में हमें जो आराम दे, इसलिए ये अगर प्रभु का नाम करोगे तो तीन चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, हरे मतलब दुख का दिखा होगा तेरे को मजा, कपट जुआ खेले सब कुछ हड़प लिया, मतलब अंधा का बेटा ले आओ उसको भरी सभा में नंगे कर दो, बड़े जगह पर बैठाओ, इसको देख करके भीम अपने देखे ना महाभारत खड़े हो गए, जिस जंग के ऊपर तू द्रौपदी को बैठना चाहते और युद्ध में जंग के में तो हाथों से तुमने पांचा लिखी, केसों का आकर्षण तुमने की, हरी सभा में हाथ को उखाड़ करके फेंक दूंगा महाभारत, केवल इतनी शब्द केवल महाभारत का है, साधारण शब्द में इतनी शक्ति, अगर भगवान का नाम लो तो
कितना मंगल भजन है, अमंगल हरि है, तो भगवान के नाम में कितना शक्ति नहीं होगा, बढ़ा शक्ति है। ठीक है ना बच्चों, ए बच्चों सभी ये सेवा करेंगे, इसलिए हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी को किसने बताया, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं, दुनिया की कहानी बच्चे बात नहीं सुनते। गुरुदेव ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, एक दुर्गत तो सो, कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण बताया। भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे, कहते प्रात ऊट ही रघुनाथा और पात पीत गुरु नमई माथा, ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की भक्ति करे और आनंद में रहे। ठीक है, ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की, जोर से बोला ब्रज हरिनाम कीर्तन की जय, जय श्री हरि। अब देखो यहाँ पर तो सब जितना माता है लगता है सब हरिनाम ही है, सबके सब आप लोगों ने माला ली है, अब जो नहीं लिए अब सबके सब माला ले लेना। ठीक है, माला लेकर खुद भी करो, क्योंकि पहला संस्कार पिता माता से पड़ेगा, पिता माता जो करेंगे बच्चे वही करते हैं, पहले अगर पिता माता करेंगे तो बच्चे तभी करेंगे। ठीक है, बोला हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 I'm
पत्नी को बेवस्त्र होते हुए देखना पड़ा और उसके बाद में 13 साल तक जंगल में दर दर भटक